यकीन करना, हमारी कुल बहुत खुश होगी। देख लेना, नौफिल बहुत अच्छा रहता है, बहुत कुछ रखेगा उसे। देख लेना। बस बस बस, चलो बाजा की गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूं। काश रिश्ता तुम भी मुझे ये हक देती कि मैं तुम्हें दुआओं के साथ सर पे हाथ रख के रुखसत करता। बेटा, मैं जानती हूँ तुम रिश्ता को याद कर रहे हो ना। देखो बेटा, हमें तो बस दुआ करनी चाहिए कि वो जहां रहे खुश रहे, हमसे मिले ना मिले से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने घर में खुशगवार जिंदगी गुजारे। ऐसी शादियों में कामयाबी के कितने चांसेस होते हैं, मैं बेहतर जानती हूँ। दो नौजवान ना तजुर्बाकारी में जज्बाती फैसला तो कर लेते हैं, जबकि जब उनकी शादी में कोई बुजुर्ग शामिल ना हो, उसका अंजाम मुझे पीछे नजर आ रहा है। अच्छा, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद करो, बस आहिर तो वो खुश नजर आती है। अच्छा शायद बेटा, बहुत देर हो गई, अब चलो। जी अम्मा, आप चले, मैं आता हूँ। अम्मा, आपको क्या पता, मुझे किसी अनजाने तूफान की आहट सुनाई दे रही है। इसका हद से ज्यादा दिखावा और नमूदो नुमाइश मुझे खौफ में मुब्तिला कर रहा है, क्योंकि अमूमन अंदर के अंधेरों को छुपाने के लिए बाहर रोशनी की जाती है। चलो अंदर। मम्मी, मुझे घबराहट सी हो रही है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। बेटा, दुल्हन विदा होके घर आई है, अभी रस्में करनी है। रस्में? अब कौन सी रस्में अम्मी? ओफो, जब दुल्हन घर आती है तो उसे वेलकम किया जाता है, उसका मुंह मीठा करवाया जाता है, तो ये तुम्हारे बगैर तो नहीं होगी ना रस्म। चलो मम्मी, क्या ये सब जरूरी है? नौफल, बेटा तुम्हारे अंदर जो भी चल रहा है ना, मैं समझ सकती, लेकिन गुल अब तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो चुकी है और रिश्ता बहुत दूर जा चुकी है। इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लोगे, उतनी ही जल्दी अजियत से बाहर आ जाओगे। जी